कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार पुलिस के लिए कानून व्यवस्था संभालना चुनौती बनता जा रहा है। बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने से जाम की स्थिति बनी रही है। वहीं भीड़ के चलते विवाद भी हो रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है। कांवड़ियों ने एक युवक को मार मारकर अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक की टक्कर से कांवड़ खंडित हो गया था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद से ही लगातार कांवड़ियों से विवाद की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। रुड़की में ई रिक्शा चालक से मारपीट के बाद अब युवक पर हमले की घटना सामने आई है। रुड़की में एक युवक का पैर कांवड़ पर लगने से हरियाणा के कांवड़ियों का गंगा जल खंडित हो गया, जिसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने युवक को बुरी तरह पीट डाला। घटना बहादराबाद धनौरी रोड की है। कुछ स्थानीय युवकों और पुलिस ने बमुश्किल उसकी जान बचाई। पुलिस ने दूसरा गंगा जल देकर कांवड़ियों को शांत कराया और आगे रवाना किया। कांवड़ियों के पिटाई से युवक को गंभीर चोटें आई हैं। उसे पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने से लक्सर हरिद्वार मार्ग पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। घंटों जाम में सैकड़ों वाहन फंसे रहे। जाम लगने के कारण वाहन सड़क पर दौड़ने की बजाय रेंगते हुए नजर आए। कांवड़ियों का कहना है कि इस बार व्यवस्थाएं खराब हैं। पिछले वर्षों की अपेक्षा खराब व्यवस्थाएं होने के कारण कई घंटे से जाम में फंसे हैं। खराब है, वरना वन वे होता था, आराम से सदन। पिछली बार आए थे तो बिल्कुल आराम से गए, अब की बार तो इतने परेशानी ये लिपट रही है। मौसम भी गर्मी का है, बहुत बुरा हाल है लोगों का। कितने समय से जाम में फंसे हैं आप? 3 से 4 घंटे हो गए सर। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।